نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين وَأَنَّا ظَنَنَّا اور بے شک ہم سمجھتے تھے ہم أَلَّن نُعَجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ کہ ہم اللہ کو عاجز ہرگز نہیں کر سکتے وَلَن نُعَجِزَهُ هَرَبًا اور ہم ہرگز अल्लाह को आजिज करके उससे भाग नहीं सकते। यानी यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि हमें समझ आ गई बात, हम अल्लाह ताला से कहीं भाग के नहीं जा सकते, हम अल्लाह ताला को हरा नहीं सकते, उसकी पकड़ से खुद को बचा नहीं सकते। क्या अल्लाह से इंसान भाग के कहाँ जा सकता है, कहीं जा सकता? इनको तो कहा गया सूरह रहमान में जिन और इंस की जमातों को कि जाओ तुम जाके जमीन और आसमान के किनारों से निकल जाओ, अगर निकल सकते हो भाग सकते हो भागो, लेकिन नहीं भाग सकते। वो खुद ये मान रहे हैं हम नहीं भाग सकते, अल्लाह की पकड़ से हम कहीं नहीं जा सकते। अच्छा, अब हमारा हाल ये होता है कि हम जिन्नों से इतना बाज दफा, बाज लोग खौफ ज्यादा होते हैं, इतना डरते हैं, हालांकि देख लें अगर इंसान अपना ईमान दुरुस्त रखे ना कि अल्लाह की ताकत से ऊपर कोई ताकत नहीं है, अल्लाह ताला से ऊपर कोई भी नहीं है, ये भी अल्लाह की एक मखलूक ही है। हम अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत करें, अल्लाह हमें खुद बचाएगा इन जितनी भी शरीर मखलूकात है, वो हमने करना नहीं होता, सीधा इनसे डरने लगते, हाय कोई जिन का ना हो जाए, हाय कोई जिन ना आ जाए, हाय क्यों? अल्लाह में हमें पता है कि सुबह को हम आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो शाम तक अल्लाह ताला हमें इन जिन्नात से महफूज रखे, शाम को पढ़ेंगे तो सुबह तक महफूज रखेगा। उसके ऊपर अगर आएंगे नहीं और जिन्नों से डरते रहेंगे, वो तो खुद कह रहे हैं कि हम अल्लाह को हरा नहीं सकते, हम कहीं भाग नहीं सकते अल्लाह से। तो जब इंसान भी ये बात को समझे कि जिस अल्लाह से कहीं भाग के नहीं जाया जा सकता, कहीं छुपा नहीं जा सकता, कहीं उससे फरार मुमकिन ही नहीं है, तो फिर करना क्या चाहिए? फिर हमारे लिए पनाहगाह क्या है? अब हमें कहीं और जगह नहीं मिल रही तो क्या करेंगे? क्या फिर अकलमंदी ये है कि उस अल्लाह ही की तरफ आया जाए, उसी अल्लाह की पनाह ली जाए, उसी अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा किया जाए और उसकी ये समझा जाए कि बस मैं अल्लाह की पनाह में आ जाऊंगी तो अल्लाह के गजब से भी मुझे अल्लाह की पनाह ही बचाएगी। कि ना अगर हम समझिए इस बात को कि अल्लाह ताला की ताकत से तो बड़ी ताकत किसी की है नहीं, और हमें कौन बचा सकता? अल्लाह ही बचा सकता। तो फिर उससे भागने में हमारे लिए आफियत नहीं है, बल्कि उसकी तरफ आने में आफियत है। इसी वजह से देखें एक दुआ है ना, रात को सोते वक्त जो दुआ पढ़नी होती है, अल्लाहुम्मा अस्लमतु वजही इलैक, अल्लाह ताला मैंने अपना चेहरा तेरे तरफ कर दिया। क्या यानी आप इंसान ये जब करवट ले अपने, रात को लेटे अपने बिस्तर पर तो ये पढ़े, वफवस्तु अमरी इलैक, अल्लाह मैंने अपना काम जो है ना तेरे सुपुर्द कर दिया, वलजअतु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक, मैंने अपनी पीठ तुझ पर टेक दिया यानी तुझ पर भरोसा कर लिया। और किस तरह के अल्लाह रग़बतन और रहबतन, शौक के साथ और खौफ के साथ। और जो मैं बात आपको बताना चाहती हूँ ये इस आयत से मुतल्लिक कि उसके बाद इस मसनून दुआ में आता है, ये बुखारी में है, ला मलजा वला मा जामिया का इल्ला इलैक, अल्लाह कोई पनाह नहीं है और कोई निजात की जगह नहीं है मगर तेरे ही पास है।
जब इंसान कहीं पे भी देखे, चारों तरफ नजर दौड़ा के देखे, कोई है पनाह देने वाला? आसमान देखे, आसमान पनाह देगा? जमीन देखे, कोई गार देखे, कोई पानी के अंदर कोई जगह देखे, कोई जिन देखे, कोई इंसान देखे, कहीं पनाह नहीं है। फिर इंसान कहता अल्लाह कोई पनाह नहीं है, अल्लाह कोई निजात की जगह है ही नहीं मगर तेरे ही पास, तो भाग के अल्लाह की तरफ ही आ जाओ। फिर अल्लाह, फिर इंसान कहता अल्लाहुमा आमंतु बि किताबिक अल्लज़ी अंज़लता व नबीक अल्लज़ी अरसलता। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पढ़ने के बाद अगर उसी रात वो इंसान मर जाता है तो इस्लाम पे मरता है, उसकी मौत इस्लाम पे है। फिर और ये सोने की जगह पे जब आए, नमाज का वजू किया उसने और इसी तरह दाहिनी करवट पे लेटे और फिर ये दुआ पढ़े, और इसके बाद फिर आपने फरमाया कोई कलाम ना करे, यानी इसके बाद कोई बात नहीं करनी चाहिए जब ये दुआ कर ले। तो अगर मर गया, नींद में मर गया या है, तो फिर उसमें देखिए सुभान अल्लाह ताला उसको काउंट करेगा उनमें जो इस्लाम के ऊपर फौत हुआ। इससे पता चलता है कि अल्लाह से भागने की कोई जगह है भला? अल्लाह ताला से दूर किधर जाओगे? तो अल्लाह की तरफ भाग के आओ। फिर वह अन्ना लम्मा समिअना अल-हुदा आमन्ना बिह, और बेशक हमने जब सुना हिदायत को हम ईमान लाए साथ इसके, हम तो ईमान ले आए हैं, हमने जो ही हिदायत की बात सुनी, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि कोई ताकत नहीं जो हमें बचा सकती, कोई नहीं है जो हमें पनाह दे सकता है। तो हमने जब सुना, अब किसको सुना? अलहुदा। उन्होंने किस चीज को अलहुदा कहा है? क्या चीज उन्होंने सुनी थी? हिदायत की बात किसको कहा है? कुरान को। कुरान है हिदायत। हम ईमान ले आए तो ये कुरान है ही नुस्खा हिदायत का। फमन युमिन बिरब्बिही, तो जो कोई फिर ईमान ले आए अपने रब पर, देखो ये भी बात उनको समझ आई, फला यखाफु बख्सं वला रहका, तो ना उसको कमी, किसी कमी का डर होगा और ना ज़ियादती का, यानी कि मेरे साथ कुछ जुल्म हो जाएगा वहां पे, कोई मेरे, कोई शायद मेरी नेकियां कोई वहां पे पहुंची ना हो, किसी को पता ही ना हो, नहीं, और ना ही कोई कमी होगी, ना वो उसको ये डर होगा कि मेरे से कोई कमी कर दी जाए, यानी कोई नुकसान कर दिया जाए, मेरा नेकियां कम हो जाएं, गुनाह बढ़ा दिए जाएं, कुछ इस तरह की ना कमी ना ज्यादती। क्या चीज इंसान की नेकियों को कम कर देती है? पता है कुछ आमाल हम खुद ही करते हैं जो हमारी नेकियों को कम कर देते हैं। मसलन गीबत, हसद, रियाकारी, इससे नेकियां जाया हो जाती हैं। जाहिर है वो क्यों नहीं डरेगा, इसलिए उसने कभी ऐसा किया नहीं, तो अब उसको ये होगा कि मेरी नेकियां इंशाल्लाह पहुंच गई होंगी, अब कोई कमी नहीं होगी, और ना ही कोई ज्यादती इस चीज की तरफ से कि कोई यहाँ पे मेरे साथ कुछ गलत किया जाए, कुछ ना इंसाफी हो जाए, इसका भी नहीं डर होगा उसको। वह अन्ना, और बेशक हम, मिन्ना हमें से, अल मुस्लिमूना हम में से कुछ मुसलमान भी हैं, वो मिन अलकासितून और हम में से कुछ नाफरमान भी हैं। आपको क्या बताया कि यहाँ पे आपने ये नहीं समझना तो किस्त का माना इंसाफ है, तो शायद यहाँ पे ये इंसाफ करने वाला कह रहे हैं अपने आप को, नहीं बल्कि किस्त का माना यहाँ पे क्या है, यानी काफिर मुराद है, समझ लें, एक हम में से कुछ नाफरमान भी हैं जो इनहराफ करने वाले हैं। असल में तो क्या है, कासिद जब कहेंगे ना, तो जो जिसको कहेंगे इनहराफ करे, यानी हक से जो डिविएट कर ले, हक के रास्ते को छोड़ के किसी और रास्ते पर चला जाए, ये उलट है मुकसिद का। तो यहां पे कासिद जिस जो वाहिद है उसका है कासितून, हक से फिरने वाले। और इसी से आप देखें, इमाम राजी ने लिखा कि जब हज्जाज बिन यूसुफ ने सईद बिन जुबैर को कत्ल करने का इरादा किया था, तो सईद बिन जुबैर आपको पता है ना, इनके बारे में सहाबी रसूल है, तो उनसे पूछा
तुम मेरे मुतल्लिक क्या कहते हो? सईद बिन जुबैर ने कहा, तुम कासित हो। लोगों ने हज्जाज से कहा, भाई क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, ये तो आपको अदल की सिफत के साथ बयान कर रहे हैं। हज्जाज ने कहा, तुम पे अफसोस हो, ये तो मुझे जालिम कह रहा है, क्योंकि कुरान में ये है, यही वाली आयत बताई। तो ये समझना चाहिए कि यहाँ पे बास अरबी में अल्फाज ऐसे हैं, रूट एक ही है, लेकिन जो जब जिस बाब में वो आ जाते हैं ना, तो माना बिल्कुल उलट भी जाता है। तो हम में से कुछ खासियतून भी हैं, दोनों तरह के ही लोग हैं हमारे अंदर। देखिए सुभान अल्लाह, अब ये अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं इसलिए कि अभी कुरान सुना है, इस्लाम को कबूल कर लिया, जो गलत रास्ते पर चल रहे थे उसको छोड़ दिया। वो पता है कि ये तो हमारी आवाजें भी सुन सकते हैं ना, तो हम भी कभी कुरान पढ़ें तो हमारे कुरान को भी सुन सकते हैं ये। कभी नियत कर लिया करें कि अल्लाह ताला मेरे कुरान को जिन्नों को सुनवा देना, वो शायद इसको सुन के ही ईमान ले आए। बहुत सारी इनकी लैंग्वेजेस हैं, इनकी लैंग्वेजेस भी डिफरेंट डिफरेंट, कोई कोई समझने वाले होंगे अरबी समझने वाले होंगे, कोई उर्दू समझने वाले होंगे, और ट्रैवल करना इनके लिए मुश्किल नहीं होता, ये तेजी से कहीं ना कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, आसमानों तक भी चले जाते हैं। तो ऐसे भी हैं कि जो कुरान को गौर से सुनने वाले हों। इसके बाद तो फिर हम अपनी नियत में ये भी शामिल कर लें, तो कोई हो सकता है कोई इंसान समझे ना समझे, हो सकता है कोई जिन सुन के इस्लाम ले आए, या उसको कोई सही बात समझ आ जाए, तो कभी इंसान को इसका मतलब इसमें शर्म या घबराहट या मायूसी इस इन चीजों को नहीं सामने लाना चाहिए कि कोई सुन ही नहीं रहा, या कोई सुनेगा नहीं, या मैं कैसे बताऊं, कोई क्या कहेगा। नहीं, आप कह दें वो नहीं सुन रहा, हो सकता है कोई और मखलूक सुन रही हो, उनके कानों में पड़ जाए, हमें क्या पता हमारे पास कौन जिन है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं पता कि ये लोग वहां पे मौजूद है, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया, हम तो नहीं जानते यहाँ पे अगर हमारे करीब कोई जिन हो सुन रहे हैं। फमन असलमा, तो जो कोई इस्लाम लाए, फउलाइका तहरो रशदा, तो यही लोग हैं उन्होंने इरादा किया भलाई का, उन्होंने बिल्कुल सही फैसला कर लिया जो इस्लाम लाते। कन्विक्शन देखें इनको, इनकी के यानी कितने पुख्ता हैं इस बात में, डामा डोल नहीं है कि इस्लाम लाने के बाद भी अब सोच में पड़े हुए, पता नहीं सही भी किया कि नहीं किया, पता नहीं इस रास्ते पर आना भी चाहिए था या नहीं चाहिए था। कहते नहीं, जो इस्लाम शऊर के साथ लाए, तहर्रो में मैंने क्या कहा कि पूरी रिसर्च के साथ, कामिल उसके साथ के पूरे शराह सदर के साथ, पूरे यानी वसूख के साथ, सोच समझ के जिसको हम कहते हैं, तो इससे पता चलता है ना कि इस्लाम ऐसे नहीं है कि इंसान बस जज्बाती होके चलो जी इस्लाम ले आया, इस्लाम ऐसे नहीं है कि किसी के पीछे इस्लाम ले आया कि चलो इससे शादी करनी है तो इस्लाम ले आए। इस्लाम नहीं, कि पूरा इंसान को समझ के करना चाहिए, तब उसने भलाई का ही इरादा किया, फिर इसने वाकई एक भलाई अपने लिए भलाई कर ली। और जहां पे भी उन्होंने कहा असलामा, इस्लाम लाए, और असलामा का एक माना क्या है, सबमिट कर देना, सर को झुका देना, तो उसने फिर सही भलाई का इरादा कर लिया जो अपना सर झुका देता है। तो जो इंसान अल्लाह के आगे झुक जाए, सिर्फ फिजिकली नहीं, अपने जहन को झुकाएं कि ये सोच क्या सोच है, इसमें क्या अकल है, ये जो दिमाग है, ये जो मेरा सर है, ये कोई चीज नहीं है, इसमें कोई अकल नहीं है, सारे हिकमतें, सारी हिकमतों के खजाने उस रब के पास हैं, और वो फिर ये समझ के अपनी अकल को झुका दे अल्लाह के आगे, ये है फिर एक भलाई का जो उसने फैसला किया। वामल कासितून फकानु लिजहन्नम हतबा, और जो जालिम है वही है जहन्नुम का ईंधन, जहन्नुम के लिए ईंधन है वो, यानी वो जहन्नुम में ईंधन के तौर पर जलेंगे। आपको पता है ना जहन्नुम को जलाने वाली कौन सी चीज है, इंसान और पत्थर है, और जहन्नुम में और क्या होगा, जिन्नात भी जहन्नुम में ही जाने हैं। जो लोग कासितून होंगे, चाहे वो जिन्नों में से हों, जन्नत भी हो सकता है जिन्नात की तो डिफरेंट होगी, मगर चूंकि ये दो मखलूकात ऐसी हैं जो मुकल्लफ है, यानी इनसे हिसाब किताब होगा, सूरह रहमान में आप थ्रू आउट देख चुके, तो इन दोनों के लिए
जन्नत भी है, इन दोनों के लिए जहन्नुम भी है, दोनों मखलूकात के लिए, जैसे अमल करेंगे। अब ये नहीं कि आपके हमसाये में वहां पे कोई जिन रह रहा हो जन्नत में, लेकिन उनकी जन्नत कोई और होगी। अब यहां तक उनकी एक जो तबलीग थी, एक दावा था, यहां तक मुकम्मल हुआ। सुभान अल्लाह। अब देख रहे हैं आप, इतना शायद जितनी लंबी उन्होंने बात की है और जिस तरह से उन्होंने बयान किया है, जैसे उन्होंने पैगाम पहुंचाया है, बड़े बड़े हमारे इंसानों में से भी काफी पढ़ के भी वो नहीं ऐसा कर पाते, जैसे उन्होंने शिर्क को बताया है। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका वनतूबु इलैक।